बुलन के साथ साथ हमें मीम कॉइन में भी एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल हमने मीम कॉइन में यानी कि मीम लैंड के मीम कॉइन में बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया, बॉन्ग कॉइन में बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया, पेपे कॉइन जो कि पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, अब फाइनली पेपे कॉइन में फिर से वही हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ BRC20 कॉइन्स के कारण। यानी कि जो भी इंस्क्रिप्शन कॉइन्स हैं, ऑर्डिनल्स हैं, उनमें भी हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है। और इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि BRC20 कॉइन्स आप कहां से ले सकते हो, कौन से लेने हैं, आपने टॉप 5 भी बताए थे। और इसी के साथ कहां से आपको सबसे पहले BRC20 कॉइन्स मिलने वाले, तो वो वीडियो जाकर चेक जरूर करना, हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होगा शायद। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले शिबा इनू के बारे में। तो शिबा इनू में अभी एक बहुत बड़ा पंप आने वाला है, स्पेशली रीजन ये है कि यहाँ पे सप्लाई सडनली बहुत ज्यादा कम होने वाली है। जो लोग बोल रहे थे कि शायद इसकी सप्लाई इतनी ही ज्यादा है कि ना तो सप्लाई कम होगी और ना ही इसके प्राइस में इंक्रीज आने वाला, लेकिन वो अभी सच हो तो आपको दिखेगा। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मैं अपडेट्स बाकी डालता रहता हूँ हमारे वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल टेलीग्राम के ऊपर, जो आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं। और इसी के साथ अगर आप कोई भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ सकते हैं वॉल्फ ट्रेड डिस्कस के नाम से, तो ये आप सर्च कर सकते हैं या फिर इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो करंटली अगर हम शिबा इनू की बात करें, अगर हम बोलें कि इसका कोई यूज़ केस ही नहीं है या फिर एक मीम कॉइन है, तो ये भूल जाइए कि सिर्फ एक मीम कॉइन है। सबसे पहले तो इसके यूज़ केस ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि शिबेरियम है, इसका खुद का ब्लॉकचेन है, उसके भी नए से नए अपग्रेड्स आ रहे हैं। इसी के साथ ही डिफाई प्रोजेक्ट भी है, लेयर 2 तो ऑलरेडी है, शिबा स्वैप है इनका, मेटावर्स में काम कर रहा है, गेमिंग के ऊपर काम कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ नाउ पेमेंट्स के द्वारा इसको यूज़ भी किया जाता है पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि आप शिबा इनू के द्वारा यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं। वेब 3 में इनका बहुत बड़ा योगदान है, NFT मार्केट प्लेस है इनकी खुद की, रेगुलर बेसिस पर बर्न होते हैं, जो हम आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले। एंड ऑफ कोर्स मीम कॉइंस की कैटेगरी है, यानी कि जब भी मीम कॉइंस पंप होते हैं तो इसमें हमें डेफिनेटली एक पंप देखने को मिलता ही मिलता है। तो अभी तक भी अगर हमें कोई बड़ा इंक्रीज नहीं देखने को मिला है तो शायद अभी भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें एक मौका मिल रहा है यहाँ पे बाइंग करने का। तो यहाँ पे 2 मेजर अपडेट्स हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे लगभग 8 ट्रिलियन जो टोकन्स हैं शिबा इनू टोकन्स, इनको विड्रॉ किया गया है, यानी कि एक्सचेंजेस से हटाया गया है। अब इसका मतलब भी समझ लो, जब भी किसी भी कॉइन को एक्सचेंज के ऊपर लाया जाता है तो एक्सचेंज का मतलब क्या है कि उस कॉइन को लाकर उसको किसी और कॉइन में एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल अगर किसी वेल ने अपने कॉइन्स को किसी एक्सचेंज के ऊपर जैसे कि बाइनेंस के ऊपर लाया, तो लाने का मतलब है कि उसने या तो उसको सेल करना है या फिर उसके बदले में USDT ले लेने, तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 8 ट्रिलियन टोकन्स को एक्सचेंजेस से निकाला गया, निकालने का मतलब है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने किसी और वॉलेट में रख लिया, क्योंकि उनको पता है कि ये होल्ड करने का फायदा होने वाला है। तो इनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी लगभग $88 मिलियन थी। तो इतने बड़े अमाउंट को नवंबर महीने से लेकर अभी तक मूव किया गया है, यानी कि जो अभी शिबा इनू के वेल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो अभी एक टेंडेंसी है वो सिर्फ यही है कि शिबा इनू को होल्ड करना या फिर इसको सही जगह पे रखना, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इसके यूज़ केस तो ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं, जो हम ऑलरेडी एक लगातार एक लिस्ट ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसी महीने के अंदर हमने इसकी जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखी है वो लगातार बढ़ती गई है, जो कि एक हफ्ते में 15 ट्रिलियन शिबा इनू की भी हुई है, जिसकी वैल्यू लगभग $160 मिलियन के आसपास बनती है। तो यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, 237 बिलियन शिबा इनू मूव किए गए बाइनेंस से। इसके बाद हमने 850 बिलियन शिबा इनू की मूवमेंट देखी है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ये ज़्यादातर शिबा इनू को बाय करके कहीं पे सेव करने की ही कोशिश करी जा रही है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों शिबा इनू बुलिश है। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि क्यों यहाँ पे बुलिश है, 8.4 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया जाएगा, यानी कि इसकी सप्लाई को एक सडनली बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, यानी कि एकदम से सप्लाई कम होने वाली है। अभी तक अगर हम बात करें तो 33.6 बिलियन शिबा इनू टोकन्स बर्न किए गए सर्कुलेटिंग सप्लाई से, लेकिन अभी जो बर्न किए जाएंगे वो 8.4 बिलियन शिबा इनू सडनली बर्न किए जाएंगे। तो आप सोचिए कितना बड़ा अभी एकदम से बर्न किया जाने वाला है। पिछले कुछ महीने के अंदर हमें 30-40% का प्रॉफिट मिला है शिबा इनू से, लेकिन अभी जो गेन होने वाला है वो इससे भी बड़ा होने वाला है, बहुत ही मैसिव गेन होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2-3 चीज़ें काम करने वाली हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कम्युनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग है। दूसरी ये कि यहाँ पे जो बर्न्स होने वाले, जितने ज़्यादा बर्न्स होंगे, सप्लाई कम होगी तो उस टोकन उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सप्लाई कम होने के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से डिमांड हमेशा बढ़ती ही जाएगी। तीसरा, वेल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चौथा ये कि इसका जो यूज़ केस है वो भी हम देख पा रहे हैं कि पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, और इसी के साथ जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है उसको भी बहुत अच्छे बड़े लेवल पर यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बर्न किया गया है ये ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 8 बिलियन से भी ज़्यादा जो शिबा इनू से ऑलरेडी बर्न कर दिए, जिनकी वैल्यू $92,000 से भी ज़्यादा बनती है। सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो 25 बिलियन शिबा टोकन्स को डिस्ट्रॉय किया गया, यानी कि कम्प्लीटली बर्न किया गया है।
और ये भी एक मेजर रीजन है कि क्यों हमें दिसंबर महीने के अंदर कुछ प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं शिबा इनू में। तो लगातार हमें शिबा इनू इसी तरीके से बुलिश ही दिखने वाले। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। पहला हमने बात किया विड्रॉल्स का, दूसरी हमने बात करी बर्न की, तीसरी हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेशन की। लगभग 6 ट्रिलियन शिबा इनूस को एक्यूमुलेट किया गया है। तो ये भी उसी तरीके से, यानी कि जितनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वेल्स का या फिर इन्वेस्टर्स का कि शिबा इनू में उतना ही अच्छा फायदा होने वाला है हमें। इस वक्त अगर आप नहीं जानते तो जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर शिबा इनू रुका हुआ है, यानी कि 0.00011। और अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक हो जाता है, यानी कि ऊपर अगर प्राइस बढ़ता है, तो हमें बहुत ही बड़े मैसिव गेन्स मिलने वाले हैं शिबा इनू में। तो ये हमारे मेन रीजंस है कि क्यों हमें शिबा इनू में अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि अभी भी एक मौका है कि हम इसको ग्रैब कर सकते हैं। वैल्यू अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। इस महीने के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200-300% का प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी सिर्फ हार्डली 30% का प्रॉफिट ही हुआ है। ये मौका आपको शिबा इनू दे रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सोलाना टोकन $100 $110 से भी ऊपर पहुँच चुका है। सोलाना का जो इस वक्त मार्केट कैप है ये भी $48 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है। और इसका और BNB का इतना ज़्यादा गैप बढ़ चुका है कि लगभग $8 बिलियन का गैप ऑलरेडी बन चुका है, जो कि BNB ने कोशिश ज़रूर करी थी, यानी कि बाइनेंस ने पुश करने की कोशिश करी कि एक बार कोशिश करी कि BNB ऊपर भी आया था, लेकिन ज़्यादातर टिक नहीं पाया। और ना टिकने की वजह से अभी सोलाना ही टॉप मोस्ट कॉइंस में चल रहा है, यानी कि सबसे बड़ा ऑल्टकॉइन अगर कोई है तो वो एथेरियम, और दूसरे नंबर पर कोई ऑल्टकॉइन है तो वह है सोलाना। और यही चीज आप एवलांच में भी देख रहे होंगे। लेकिन यहां पे मैं जो आपको एक्चुअल में बताना चाहता हूं वो ये कि सोलाना अगर इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो सोलाना बेस्ड जो भी कॉइन होने वाला है, सोलाना के इकोसिस्टम में जो भी कॉइन होने वाला है, वो भी हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। चाहे वो बॉन्ग कॉइन यानी कि एक मीम कॉइन है, चाहे वो वही क्यों ना हो, तब भी हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स उसमें एक्सपेक्टेड है। तो हमें बहुत बार लगता है कि एक मीम कॉइन एक ही बार आता है और उसके बाद प्रॉफिट नहीं देता, बिल्कुल डेड हो जाता है। जो कि हमने पेपे कॉइन जो कि BRC20 वाला था उसके ऊपर भी हमने देखा था कि शायद बिल्कुल उसकी हाइप खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी पेपे कॉइन ने पिछले 3-4 दिन के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया क्योंकि BRC20 टोकन्स लगातार बढ़ रहे थे। सिमिलर सिनेरियो हमें बॉन्ग कॉइन में भी दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सोलाना चल रहा है तो सोलाना के हिसाब से अभी बॉन्ग कॉइन में भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एंड सोलाना की प्रेडिक्शंस मैंने आपको पहले भी दी थी जब इसकी वैल्यू बहुत कम चल रही थी, लगभग 2-3 वीडियोस में आपको प्रेडिक्शन दी थी कि $100 तो बहुत ही आसानी से क्रॉस करने वाले, और ये चीज़ हमने वहाँ से देख ली है। कम से कम $30-$40 का प्रॉफिट हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर ही अर्न कर लिया है। तो ऐसे में हर एक अपडेट आपको देता रहता हूँ, एंड खासकर LUNC जिसको अभी मैं मीम कॉइन में कंसीडर करता हूँ। तो LUNC को लास्ट अपडेट आपको दी थी कि उसका एक प्रपोजल चल रहा है, अगर वो प्रपोजल हो जाता है तो 1.5% टैक्स की वजह से LUNC का जो बर्न है बहुत ही फास्ट होने वाला है, तो LUNC में बड़ा प्रॉफिट देगा। तो अगर आपको किसी और टोकन के बारे में, कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट करो, मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि शिबा इनू की बहुत डिमांड आ रही थी इसलिए मैंने शिबा इनू का अभी बनाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। धन्यवाद।